नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी वीडियो में कैसे हम चलते हुए टेक्स्ट लगा सकते हैं। जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट हम आपको बताएंगे कैसे आप इस तरह के चलते हुए टेक्स्ट को लगा सकते हो अपनी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने ग्रीन काइंड मास्टर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप एम्प्टी प्रोजेक्ट को चुन लीजिए, या कोई भी वीडियो हो आपको वीडियो लेनी है, मीडिया ब्राउज़र में जाइए। मीडिया ब्राउज़र में जाने के बाद कोई भी वीडियो या इमेज सेलेक्ट कर लीजिए जिस पर आपको टेक्स्ट अपना चलाना है। तो मैं इस टेक्स्ट को, इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद दोस्तों लेयर में जाइए, फिर टेक्स्ट लेयर में जाइए। यहाँ पर आप कोई भी जो टेक्स्ट आप चलाना चाहते हो वो लिख लीजिए या टाइप कर लीजिए। जैसा कि ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, इसका साइज हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से ड्रैग करके। और यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ फॉन्ट स्टाइल थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसको, और यहाँ से आप इसको कलर कर सकते हो। कलर कोई भी कलर आप पसंदीदा, अपना पसंदीदा कलर चुन सकते हो। मैं यहाँ येलो कलर चुन लेता हूँ या रेड कलर चुन लो, जो सा आपको पसंद है वो कलर आप चुन सकते हो, और इसको ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हो। और इसको अपनी इमेज के हिसाब से यहाँ से बड़ा कर सकते हो, और मतलब कहाँ से चलाना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ भी, अब आपको यहाँ से शुरू करना है तो यहाँ से ये शुरू हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, अगर दोस्तों आप अपने इस टेक्स्ट को, जो स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको चलाना चाहते हो तो पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्रोमा की पर जाइए, जो यहाँ पर बटन दे रखा है इसका, तो और उसके बाद हाथ से इसको ड्रैग करके आप एक साइड में ले आइए। एक साइड में लाने के बाद आपको करना क्या है कि आप इसको थोड़ा सा, जो टेक्स्ट है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए ताकि ये प्लस का चिन्ह जो है साफ क्लियर दिखने लगे। देन उसके बाद यहाँ इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप हाथ से इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए। क्लिपिंग को आगे बढ़ाने के बाद यहाँ तक ले आइए। अब इसके बाद अपने हाथ से इसको ड्रैग करके जो लिखा हुआ है, इसको अपने हाथ से ड्रैग करते हुए इधर जो दूसरी साइड में, जिधर आपको ये टेक्स्ट चलाना है, उधर की तरफ ले आइए, जहाँ जी थोड़ा सा दिखे वहाँ तक। अब ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका टेक्स्ट चलने लगेगा, ये देखिए अब ये इस तरह से चलने लगा है। अगर आपको इसकी स्पीड और स्लो करनी है तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, तो ये उतना ही स्लो चलने लगेगा। देखा, अब ये इसकी स्पीड स्लो हो गई है। देखा दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो और जानकारी की वीडियोस चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।